क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोलिजन्स होते रहते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है। इसमें कहा गया द प्लॉट दैट डिपिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द मीन फ्री टाइम, मीन फ्री टाइम जिसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम आता है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम गैप आता है उसको हम लोग मीन फ्री टाइम या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इससे रिलेटेड एक और सवाल हमने किया था, है ना, जो कि 7 जनवरी को पूछा गया था। ठीक, तो आगे कहा गया इट इज द मीन फ्री टाइम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर टी, है ना। तो मीन फ्री टाइम टेम्परेचर के साथ में किस तरह से वेरी करता है उसका ग्राफ दिखाया गया है, तो उसमें से करेक्ट ग्राफ जो है हमें सेलेक्ट करना है। तो जो पिछला सवाल किया था हमने, 7 जनवरी को मेंस में पूछा गया था, उसमें हम देखा था कि रिलैक्सेशन टाइम जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी बाई रूट टी के। ठीक, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट मान लिया जाए, क्योंकि इसमें वॉल्यूम के बारे में कोई बात नहीं किया गया है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी, ऐसे होगा। तो ये जो टाइम रिलैक्सेशन टाइम है ये रूट टू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट आ जाएगा बाई रूट टू, टॉ इज इक्वल टू सी वन बाई रूट टी। तो ये समझ सकते हैं कि इसमें ये ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में रिलैक्सेशन टाइम को टी से लिखा गया और टेम्परेचर को कैपिटल टी लिखा गया है ना। तो अगर मैं इस टी को वाई एक्सिस पर रखता हूँ, वन बाई रूट टी को एक्स एक्सिस पर रखता हूँ, तो ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स जैसा ग्राफ आएगा, लीनियर जो ग्राफ है ना। तो यहाँ पर देखेंगे टी और वन बाई रूट टी का जो ग्राफ है वो वाई इज इक्वल टू एम एक्स जैसा दिया गया है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है ना। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा वाला जो है वो सही है।